हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सुने, यूट्यूब के व्यूज़ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से हम यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो सकते हैं? सो नंबर वन टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जब भी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो आपको एक नीश पे फोकस करना होता है। जी हाँ, एक नीश पे। आपने देखा है बहुत सारे वीलॉगर्स होते हैं, ठीक है, वो जब वीलॉगिंग स्टार्ट करते हैं ना तो उनका पूरा चैनल वीलॉगिंग से ही भरा हुआ होता है। डिफरेंट जगहों पे जाके वो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में डिटेल्स बता रहे होते हैं। तो वो उनका, क्योंकि लोगों को वीलॉगिंग बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो लोग ट्रैवलिंग पे अपने चैनल्स बनाते हैं। इसी तरह से अगर आप बोलें तो पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं उनको बहुत लाइक किया जाता है, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी ड्रामास पे भी चैनल बनाते हैं। जैसे मैंने गलती की थी स्टार्टिंग में, मैं जो है वो अपना ड्रामा और प्रोडक्ट दोनों नीश को एक साथ कर रही थी, और उसमें मैंने ड्रामास के रिव्यूज़ भी दिए, न्यू अपकमिंग ड्रामास के डिटेल्स भी दी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी दिए हैं उस चैनल के अंदर। लेकिन अब मैंने जो है उसको कम्प्लीटली पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड रख दिया है, ताकि जो भी ट्रेंडिंग में ड्रामास हैं उनके रिव्यूज़ दे सकूँ, या कोई न्यू अपकमिंग ड्रामा है उसके रिव्यू दे सकूं। इसी तरह मैंने अपना जो चैनल है प्रोडक्ट रिव्यूज़ का, उसको अलग कर लिया है ताकि उसके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ दे सकूं। और ये वाला जो चैनल है इसमें मैं आपको बताऊंगी, मोटिवेट भी हो सकता है, कोई ना कोई मोटिवेट हो ही जाए मेरी बातों से, अब मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद मोटिवेट रहो। आप खुद मोटिवेट रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से दूसरे लोग भी मोटिवेट होते रहते हैं। तो खैर, सबसे हम बात कर रहे थे YouTube व्यूज हासिल करने की, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक नीश पे फोकस करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं। अगर आप वी लॉगिंग कर रहे हो तो आप 5-6-7 वीडियोस जो है वी लॉगिंग से रिलेटेड देखते हो, या कोई प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड उसकी डिटेल्स देखते हो कि किस तरह से लोग बनाते हैं, या उसके अंदर कौन से इन्ग्रीडियंट्स मौजूद हैं, किस तरह रिव्यू देना चाहिए हमें, तो वो सब देखने के बाद आप एक अपनी कंप्लीट वीडियो बनाते हो। सो इसी तरह आप अपने व्यूज़ हासिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सब्सक्राइबर तो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे जब आप अपने लोग आपकी वीडियोस में इंटरेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि आपकी वीडियोस वाकई ही उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनके मतलब की वीडियोस हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप एक नीश पे काम करते हो ना तो YouTube उस चीज़ को देखता है, उनके एल्गोरिथम उस चीज़ को देखता है, और देखने के बाद वो उन लोगों तक पहुंचाता है जो लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्च की होती है। जैसे कि आप कुकिंग का चैनल लें, आप अब जो लोग कुकिंग में इंटरेस्टेड है, नई नई चीज़ें बनाने में इंटरेस्टेड है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुकिंग के चैनल सर्च कर रहे होते हैं। इसी तरह जो लोग ट्रैवलिंग देखने के बहुत शौकीन होते हैं वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड सर्चिंग कर रहे होते हैं, वीलॉगर्स देख रहे होते हैं। इसी तरह जो ड्रामा देखने में इंटरेस्ट रखते हैं वो ड्रामा से रिलेटेड वीडियो सर्च कर रहे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी एक नीश हो, आप उस पे कंटेंट पे फोकस रखें। यूट्यूबर्स जैसे, हम जैसे यूट्यूबर्स बहुत सारे यूट्यूब की वीडियो सर्च कर रहे होते हैं, देखते हैं कि कैसे हम अपने व्यूज इंक्रीज करें। तो बेस्ट यही होता है कि आप बिल्कुल देखो, उस पर अमल भी करो, और मैंने भी बहुत सारे चैनल्स देखने के बाद अपने व्यूज़ इंक्रीज करना शुरू किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इंडिया में एक चैनल है लकी पांडे 2M का, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छे मतलब की बातें दे देते हैं, ट्रिक्स देते हैं, टिप्स देते हैं बहुत सारे। इसी तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी हैं और उनकी वीडियोज़ देखते हैं, उनको देखते हैं कि वो किस तरह से आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। कोई भी काम आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ख़ास करके YouTube में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है 2022 के अंदर, लेकिन बहुत सारी अच्छी न्यूज़ भी आई हैं। अगर आप लोगों को लंबी वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता, तो आप शॉर्ट वीडियोज़ डाल सकते हो। भाई टिकटॉकर जो हैं, वो टिकटॉकर्स भी अब यूट्यूब पर आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, वो अपनी वही यूट्यूब, जो टिकटॉक पर वीडियो डालते हैं ना, वही उठा के वो यूट्यूब पर डालते हैं, मतलब वहाँ से नहीं उठाते, लेकिन जब वो बनाते हैं तो वो दोनों प्लेटफॉर्म पर
अपलोड लाजमी करते हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि आप अपना कैमरा यूज़ कर रहे हो फ़ोन का, या आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो या कैमरा यूज़ कर रहे हो, जिस के थ्रू भी आप अपनी वीडियो बना रहे होते हो, सेफ तो वो रहती है। आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हो, एडिटिंग करने के बाद आप उसको अपलोड कर देते हो। एक चीज़ और है YouTube पे व्यूज़ हासिल करने के लिए, जब आपकी वीडियोस कंटिन्यूसली आ रही होती हैं। अगर आप डेली बनाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग जॉब्स करते हैं ना, उनके लिए डेली वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, मैं डेली वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती, लेकिन जब मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो मेरे व्यूज़ आना शुरू होते हैं, मेरे सब्सक्राइबर आना शुरू होते हैं। लेकिन अगर मैं बीच में गैप दे देती हूँ, 3 दिन का 4 दिन का, कभी कभी 1 हफ्ते भी हो जाता है, उस वक्त मेरी वीडियोज़ पर व्यूज़ आना कम हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। और अपने अगर आप YouTube पे कामयाब होना चाहते हो, तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अर्निंग करनी है तो ये वाला प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है। आप अगर YouTube पे कामयाब हो गए ना, सीरियसली कामयाब हो गए, तो बहुत अच्छी अर्निंग कर पाओगे। तो फिर तो आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो आप ट्रैवल कर सकते हो। जैसे मेरा ड्रीम है कि काश मेरे पास इतने पैसे आने शुरू हो जाएं कि मैं दुनिया घूमना शुरू कर दूँ, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। लेकिन क्योंकि मैं अभी ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें खुद को स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। सो हम मेहनत कर सकते हैं, हमें कामयाबी भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और व्यूज़ हासिल करने का यही है कि आप एक अच्छी नीश पे फोकस करो, और उसको कामयाब करने के लिए आपको कंसिस्ट रहना पड़ेगा। अपने व्यूज़ इंक्रीज़ करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, ख़ुद को सबसे बड़ी बात यह है कि मोटिवेट रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके वीडियोज़ को लोग लाइक करेंगे, ठीक है, उन पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, सब्सक्राइबर बनना शुरू हो जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जब चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो होप ये सारी चीज़ें अगर आप रखोगे करोगे, तो वो आपको कामयाब ज़रूर बनाएंगी। खैर ये तो थी छोटी सी वीडियो, खैर लंबी हो गई शायद, लेकिन फिर भी होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी थी। सो नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।